हम आ चुके हैं लाइव और देखते हैं कि कितने बच्चे जुड़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये मेरा सेकंड चैनल है। अभी मेन चैनल पर मैंने टेस्टिंग की थी, तो इसमें देखते हैं कि कितने बच्चे अभी जुड़ते हैं और इसकी क्वालिटी चेक की जाए कि कितना है। तो सेकंड चैनल पर काफ़ी कम बच्चे रहते हैं, लेकिन जितने भी हैं अभी जुड़ने वाले हैं तो लाइव चैट दिखाई जाए। ओके, चलिए एक बच्चा तो जुड़ गया है। हाँ चलो, बच्चे आने वाले हैं। ठीक है, और आवाज़ वगैरह देख लीजिए कैसी क्या है और मुझे थम्स अप कीजिए। ओके, तो माइक काम कर रहा है। चलिए, बबलेश सिंह, हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। कुंदन कुमार, गुड इवनिंग। ओके, हाँ अब ये बताओ कि आपको सही दिख रहा है, ये इसमें जो लिखा है वो आपको क्लियर दिख पा रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। ये जो यहाँ पे मैं ये इमेज है, ये आपको क्लियर दिख पा रही है क्या? इसको और जूम करना पड़ेगा क्या? ठीक है, ये क्या है? ये नोट्स हैं आपके, तो ये आपको क्लियर दिखने चाहिए। ठीक है, तो अभी इनको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं देखो चलाना सीख रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें सीख चुका हूँ, तो धीरे धीरे करके ही सीखते हैं। ओके, वॉइस क्लियर है? हाँ ठीक है, और जूम, अभी और जूम करेंगे इसको। ठीक है, देख लेते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर और जूम करो। ठीक है, तो देख लो आप, ये नोट्स हैं आपके जो वेबसाइट पर अभी अपलोड होने वाले हैं, तो ये आपको मिलेंगे नोट्स, और इन्हीं के आधार पर ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, और मैं पढ़ाऊंगा तो आप चाहो तो खुद से भी नोट्स बनाओगे, क्योंकि मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि अलग से रहेगा। नमस्ते आप सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, आप सही दिख रहा है ना? परफेक्ट दिख रहा है। हाँ बबलेश, आपको बताना है कि क्या सही दिख रहा है और वॉइस कैसी आ रही है। ठीक है, आप सही सही बताइए कि कैसा आ रहा है, बच्चों के लिए सही रहेगा कि नहीं, टीचिंग के लिए। ठीक है, तो नीतीश सिंह ब्लॉक, आपका भी स्वागत है, नमस्ते। तो बताओ फिर वॉइस कैसी है और पिक्चर क्वालिटी कैसी है? आज हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, कल से लाइव आएंगे मेन चैनल पर, तो इसी सेटअप के साथ में, तो आप बताइए कैसा क्या है। ओके, हाँ अब ठीक ठाक है। ओके, एकदम झकास। ओके ठीक है, एकदम अच्छा। चलिए, तो अब जो है वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बच्चों का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, वॉइस भी क्लियर है। तो अब इस वॉइस के साथ में हम लोग बहुत ही अच्छे से केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और ये जो है ये नोट्स हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन शुरू होगा विलियन से, तो ये बताओ कि किस तरीके ऐसा सही रहेगा पढ़ाना कि नहीं, जल्दी बताओ कमेंट में। ठीक है, नोट्स के साथ में आज से नहीं स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ओके। तो अब हमने बहुत पढ़ लिया कॉपी पेन पर, अब हम वैसा ही यहाँ पे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे चित्रों के साथ में। देखो चित्रों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये देखो, ये हम लोग इस तरीके से चित्र इस्तेमाल करेंगे और आपका पूरा जो फिनोमेना है वो क्लियर होगा। ठीक है, एक एक चीज क्लियर होगी आपको। इसके साथ साथ आप देखो फिर से एक न्यू स्लाइड है, तो यहाँ पे आप देखो ये, तो इसमें हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक लिखा, जैसे कुछ भी लिखते हैं, जैसे अभी इस चित्र को यहाँ पे रख देते हैं, जैसे इसको उठाया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ऐसे रख दिया। ठीक है, आप इसमें कुछ भी हमें लिखना है तो वो यहाँ पे आसानी से लिख जाएगा। ठीक है, ये देखो,
तो अब इस तरीके से पढ़ेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, हाँ अब जल्दी ही होगी। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको तुरंत से याद करते जाना। जैसे ही मैं यहाँ पे, चूंकि कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादातर हो जाए याद यहीं पे हो जाए, और फिर बाकी चीजें, ये देखो ये भी चित्र है तो इसको भी समझा सकते हैं, तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो अभी इसको वापस कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो एक स्लाइड है, इसको अपन ने इस तरीके से कर दिया। तो आते हैं अपने फर्स्ट पेज पर, ये देखो आप। अब बताओ ये नोट्स क्लियर दिख रहे हैं, एक एक अक्षर अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। मनीषा सिंह ब्लॉक, ओके सर रेगुलर पढ़ाइएगा। बिल्कुल शीतल, रेगुलर क्लास होगी आपकी, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। कुणाल, हाँ बिल्कुल होगी। कोशिश ये रहेगी कि आपको जो है अच्छे से ज़्यादा पढ़ाया जाए। तो मैं दोपहर में कुछ रिकॉर्ड करूँगा लेक्चर, जो मतलब लाइव नहीं होंगे लेकिन हाँ उसमें कॉन्सेप्ट होगा, तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए, अच्छा लगा क्वालिटी वगैरह देख के। तो ठीक है, ये मुझे आज पूरा इस पर एनालिसिस करना है और देखना है कि कहाँ क्या कमी रह रही है इसके अलावा भी, तो उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत ज़्यादा आज दिन भर से थक गए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पूरा सेटअप लगने के बाद भी चीज़ें होती हैं। स्मार्ट बोर्ड पूरा समझने में टाइम लग जाता है, ये आसान नहीं है। इसमें दूर से लगता है कि इसका ऐसा कर लो, लेकिन ये अगर प्रोफेशनल तौर पे करना है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो मैंने एक बार तो सोच लिया था कि ये क्या हो गया, लेकिन अब सब ठीक है। तो स्मार्ट बोर्ड में थोड़ा सा पढ़ाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर हूँ। अब इसमें ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, लेकिन हाँ ये ज़्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव भी रहेगा, तो इसलिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बताओ अब आप सभी खुश हैं ना बच्चे? एक बार कमेंट करके बताइए आपको अच्छा लगा। टाइम टेबल अभी नहीं बताएंगे, टाइम टेबल बताएंगे बाद। हाँ ठीक है, छोटू यादव आपको बहुत अच्छा लगा। आप सभी बच्चे कमेंट करिए जितने भी अभी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। हाँ चलिए, तो आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे ना? ओके ठीक है, बहुत दिन से आपको मैंने वेट करवाया है, तो अब वो घड़ी आ गई है। नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे वेबसाइट से। ठीक है, वेबसाइट बनवाई है, उसमें थोड़ा बहुत उसकी जो है कॉस्ट भी होती है, तो उसको मैनेज करने के लिए देखेंगे फिर क्या होगा, लेकिन हाँ वेबसाइट जरूर है। तो बिना नोटिफिकेशन के आया था इस चैनल पर, तो इसमें भी बहुत कम बच्चे जुड़ पाए हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसा लाइव आता नहीं हूँ। तो जो बच्चे इस टाइम पे मोबाइल अपने हाथ में लिए होंगे तो वो बच्चे जुड़ गए। तो अब हम इस क्लास को यहाँ पे एंड देते हैं और मिलते हैं कल से नई शुरुआत के साथ मेन चैनल पर, केमिस्ट्री क्लास में। और आप बच्चे सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे मेरे साथ में और डेली से याद करेंगे।